हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। और आज का नया जो ब्लॉग है बनने वाला है, और आज हम जाने वाले हैं भुवनेश्वर के बॉटनिकल पार्क में। और बने रहिए मेरे साथ, आइए चलते हैं पार्क के बारे में कुछ जानते हैं, पार्क में क्या क्या है और कितना दूर है यहाँ से, सब कुछ आपको मिल जाएगा वीडियो में। तो चलते हैं पार्क की तरफ। पार्क 5 से 6 किलोमीटर की दूरी है। नज़ारा जैसे भी आप गेट के अंदर एंटर होते हैं तो ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। अभी हम जाएंगे लेफ्ट की तरफ और वहाँ से घूम कर आएंगे। हम देखिए, ये जो हमारा टिकट हम ले चुके हैं, क्योंकि बाइक का 2-व्हीलर का है 30 का, और हम लोग 2 आए हैं, तो ये देखिए 40 और ये 70 रुपीज़ का हो चुका है। तो अभी हम चलते हैं लेफ्ट की तरफ और अंदर की तरफ, और आप लोग वीडियो पे बने रहिए। चलिए, तो अभी हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। कैसे दोस्तों,
यहाँ पर हमारे जो हॉलीवुड इंडस्ट्री है यहाँ पर बहुत सारे हर टाइम शूट होते रहते हैं। ये भी आप देखें, कितने सारे गानों पर भी देख सकते हैं शूट हुआ है यहीं पर। लेफ्ट की तरफ जो सीन है वो बहुत ही अच्छा है। और ये राइट साइड में देखिए, राइट साइड में देखिए ये जो जंगल है, और यहाँ पर अगर आप आते हैं दोस्तों तो फैमिली लेके आइए, या आप लोग अगर कपल हैं तो कपल भी आ सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर कपल ही आते हैं, फैमिली भी आते हैं, या पिकनिक स्पॉट भी है। यहाँ पर आप खाना भी बना सकते हैं, लेकिन खाने का जो कुछ सामान है आप लोग को खुद लाना पड़ेगा। और यहाँ पर पहले नहीं थी बोटिंग की सुविधाएँ, और यहाँ पर बोटिंग की भी हो चुके हैं सुविधाएँ। तो बोटिंग अभी ठीक से चालू नहीं हुआ है, लेकिन अभी सब कुछ काम चल रहा है। आप देख सकते हैं अभी ये सब नहीं था पहले, अभी ये सब शुरुआत हो चुका है, बस और कुछ काम बाकी है, उसके बाद यहाँ पर लोग भी बोटिंग कर सकते हैं। राइट की तरफ यहाँ पर सब राइट की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर फूल है, गार्डन है, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। और राइट साइड में भी अभी यहाँ पर भी अभी शूट चल रहा है दोस्तों, क्योंकि देखिए वहाँ पर अभी शूट अभी चल रहा है, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, किसी को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है उनके काम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ऊपर की तरफ ही हम लोग जाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है माँ का, यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है हॉलीडे कॉटेज। तो यहाँ पर सब आते हैं जब घूमने के लिए। तो ये भी नंदनकानन का एक पार्ट है दोस्तों, बिल्कुल ये नंदनकानन के उसके लेफ्ट में ही है। और यहाँ पर हम लोग आते हैं ग्रीन हाउस में, और यहाँ पर किड्स के लिए बहुत सारे हैं खेलने के लिए जगह हैं यहाँ पर। तो बच्चे यहाँ आएंगे तो एकदम तूफान मचा देंगे यहाँ पर। तो बच्चों के लिए है यहाँ पर घूमने के लिए, खेलने के लिए। झूला है, बहुत कुछ है बच्चों के लिए, देखिए आप सब देख सकते हैं वीडियो में। चिल्ड्रंस पार्क है ये। यहाँ पर बुद्ध जी का पार्क है। और अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर तो पानी का काम चालू है अभी।
देख सकता हूँ। इस जगह पर बहुत सारे फूल भी होते हैं दोस्तों। अभी हम जा रहे हैं और अंदर की तरफ, गार्डन है अंदर। जानवर है वहाँ पर चलने यहाँ पर सब पेड़ लगा हुआ है। अभी यहाँ पर फूल है बहुत सारे। ये जो देख रहे हैं ये औषधि है। यहाँ पर सभी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं आयुर्वेदिक। जो गार्डन है इसमें औषधि की चीज़ें बहुत सारे हैं, तो उनका एक तो अलग सा ग्राउंड है। हम लोग अभी दोस्तों अंदर की तरफ हैं, जो कि दोनों साइड में जंगल है। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, जंगल ही है। और यहाँ दो साइड में जंगल है, घूमने का सब जगह उधर ही है। इस साइड में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप सब देखे थे तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। हम लोग अभी गार्डन के पास में ही हैं और अंदर की तरफ चलते हैं। आगे चलना था।
है ग्लास हाउस। और कुछ पड़ी भी पक्के Roger. रेडी कर लो। तो अभी हम आ चुके हैं दोस्तों पार्क के दूसरे भाग पे। तो इस साइड में आप फैमिली या कुछ भी हो तो यहाँ पर पिकनिक होता है, पिकनिक स्पॉट है ये। और यहाँ जो पिकनिक का जो सामान है जैसे बर्तन हो गया, चूल्हा हो गया, खाने पीने का जो भी सामान है सब कुछ आपको उधर से लाना पड़ेगा यहाँ पर। और इधर कुछ भी नहीं मिलेगा पानी के सिवाय, और सब कुछ आपको वहाँ से ही लाना पड़ेगा। अभी हम लोग एंटर हो रहे हैं जहाँ पर पिकनिक बनाया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप पिकनिक भी मना सकते हैं। यहाँ पर पिकनिक का सब कुछ साधन आपको खुद लाना है, यहाँ पर आपको कुछ भी साधन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर पानी सिर्फ आपको मिलेगा। और अभी तो फ़िलहाल जैसे कि आपको सबको पता है लॉकडाउन था, बंद था, तो अभी ज़्यादा लोग अभी यहाँ नहीं आए हैं। तो यहाँ पर सब कुछ सेटअप होके है, डस्टबिन है आपको यहाँ पर, यहाँ पर आप कहीं पर भी यहाँ पर पानी का जो चीज़ है सब यही है बस। Thank you.
आप लोगों ने देखा है कि हमने जैसे आपको पार्क घुमाया, तो यहाँ पर सब कुछ है। तो अभी थोड़ा लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर कुछ भी अभी नहीं है, क्योंकि लोग थोड़ा कम है, लॉकडाउन में सब कुछ बंद था। तो यहाँ पर एकदम लोग खचाखच से भरे रहते हैं लोग, और यहाँ पिकनिक मनाने के लिए फैमिली के साथ आप आ सकते हैं। और सब कुछ सामान आपको खुद लाना पड़ेगा यहाँ पर दोस्तों, सामान, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि बर्तन वगैरह हो गया जो कुछ है यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, तो सामान आपको खुद लाना है। तो यहाँ पर जब भी आइए फैमिली के साथ आइए, और आपको अच्छा लगेगा ये जगह भी। और कैसा लगा ये वीडियो आप उनको कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।